वैशाली लोकसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला ने चलाया जनसंपर्क अभियान। पारू विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायत मंगरैया, बाजिदपुर, जगदीशपुर, बाया कोरिया, निजामत, पारू उत्तरी, जगदीशपुर, बाया व पारू दक्षिण पंचायत में आयोजित जनसंपर्क अभियान में 97 पारू विधानसभा क्षेत्र के राजद प्रत्याशी शंकर प्रसाद, राष्ट्रीय जनता दल के जिला महासचिव श्री राम बाबू शाह एवं अन्य नेता रहे मौजूद। चुनाव ये कोई साधारण चुनाव नहीं, ये सुधार चुनाव जो है करो लड़ो जीतो का ये चुनाव नहीं। तो 2024 में अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो ये देश देश नहीं रह जाएगा। देश का संविधान समाप्त करने की बात हो रही है। आज बाबा साहब का जयंती है, जन्मदिन है, जन्मदिन पर हम लोग पुष्प अर्पित करते हैं। इसलिए बाबा साहब का जो लिखा हुआ संविधान है, अभी संविधान बचाने और देश बचाने का लड़ाई है। और लोग वे लोग कहते राम के नाम पर तेरा पाप लगाना चाहते, तो वे लोग राम से क्या बारी है। और श्री राम भक्त हम लोग की गहराइयों से राम को मानने वाले लोग हैं, लेकिन वो लोग इस बार तो हमारे महागठबंधन के ये प्रत्याशी है, इसलिए इनको जो है कि इस बार भारी बहुमत से जो है ये जीतने जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों का जो है हम लोगों के पीछे हम लोगों के नेता पारू विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी शंकर प्रसाद यादव जी जो है हम लोग के युवाओं के धड़कन और गरीबों के मसीहा नेता जो है कि हम लोग के बीच है। और गीता का जो है कि गीता ये जो नेत्री है राजद की वो भी उपस्थित है, शंकर महतो की है और भगवान जी प्रधान महासचिव और जो है हम लोगों के बीच। और इस हम सबसे पहले हम चाहेंगे क्योंकि ये चुनाव में जो है कि जब मंच रहेगा तो हमारे सभी लोग भारी जो है कि यहाँ जो है कि भाषण देंगे, क्योंकि हम लोगों के पार्टी का महागठबंधन का घोषणा पत्र भी जो हुआ है बहुत ही शानदार घोषणा पत्र।